हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं? चलिए तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 19 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 को बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का आपको लगभग यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा और पढ़ने में बहुत ही आसान है ना कितना सिंपल सा। तो उसमें चैप्टर नंबर 19 में मैं आपको बता दूं, आप मुख्य रूप से वायु फर्टिलाइजर और वायु कंट्रोल, जैव नियंत्रण, इनको तो बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, हाँ, जैव उर्वरक और वायु कंट्रोल यानी कि जैव नियंत्रण, और बाकी जो डेफिनेशन है छोटी छोटी, जैसे मिश्रित शस्य उत्पादन, मिश्रित कृषि, प्रतिपालनीय कृषि, है ना, इनकी आप परिभाषा जरूर देखना। ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 20 के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो 20 है उसका भाई बहुत ही बड़ा नाम है कि छोटा है? चलिए, बहुत छोटा नाम है और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 20 जिसका नाम है जैव ऊर्जा, और इसको बोलते हैं भाई वायु एनर्जी। क्या बोलते हैं? वायु एनर्जी, जैव ऊर्जा। तो ये जो हमारे चैप्टर हैं, चैप्टर 19 और चैप्टर 20, ये हमारे थोड़े पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर हैं, और ये ऐसे चैप्टर हैं इनके बारे में आप थोड़ी बातें पहले से ही जानते हैं, कुछ बातें नई हैं और कुछ बातें पुरानी हैं। ठीक है, तो ये जो बायो एनर्जी वाला चैप्टर है, अब देखो वहाँ प्रतिपालनीय कृषि था, तो उस चैप्टर में हमने बात की वो केवल एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में ही बात की, लेकिन यहाँ शब्द ऊर्जा है। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर हम केवल अपनी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि हम एक अच्छे तरीके से एक प्रदूषण रहित ऊर्जा का प्रयोग कैसे करें। समझ रहे आप मेरी बात को? मतलब ऊर्जा हमें यहाँ पे प्राप्त करनी है तो हम किन किन तरीकों से ऊर्जा आजकल प्राप्त कर रहे हैं, ये सारे मेथड है ना यहाँ इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे पहले तो हमें लिखना है कि आखिर ये बायो एनर्जी क्या है, जैव ऊर्जा क्या है। जैविक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा जैव ऊर्जा कहलाती है। ये डेफिनेशन है भाई बायो एनर्जी की, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि बायो एनर्जी क्या है। यार सिंपल सी बात हो गई, यदि आप जैविक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करें, सिंपल है, जितने भी जैविक स्रोत हैं आपके पास, यदि हम उनसे ऊर्जा प्राप्त करें तो उसे हम जैव ऊर्जा बोलते हैं। अब ये जैविक स्रोत का मतलब है कि केवल या तो कोई सूक्ष्म जीव हो या प्लांट वगैरह हो, वही जैविक स्रोत हो सकते हैं भाई, है ना। यदि आप किसी औद्योगिक कंपनी में ऊर्जा बनाएं तो क्या आप उसे जैव ऊर्जा बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे? समझ रहे ना आप मेरी बात को? ठीक है, तो जैव ऊर्जा जो कि इस चैप्टर का नाम है, उसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि यदि आप किसी बायोलॉजिकल सोर्स से या बायोटिक सोर्स से आप एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं तो हम उसे वायु एनर्जी बोल के चलते हैं। ठीक है, तो पहली परिभाषा आपको याद रह जाएगी, और मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं इस बोर्ड पर वही पॉइंट लिखूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट्सों में आपकी भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ही मिलेंगे,
क्योंकि जिससे आपको एक तो एक्स्ट्रा थ्योरी थ्योरी पढ़ने में कम समय टाइम वेस्टेज ना हो और आपके लिए कंफ्यूजन भी उत्पन्न ना हो। ठीक है, बस सीधे से हमें क्वेश्चन पढ़ने और अपनी फुल नॉलेज भी लेनी है, बस उसी से हमारा काम चलता है। ठीक है, तो ये जैव ऊर्जा की परिभाषा क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपयोगी लक्षण। जैव ऊर्जा के उपयोगी लक्षण कि भाई ये जो बायो एनर्जी है, अब इसके क्या उपयोगी लक्षण होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। नंबर एक पॉइंट, अरे यह है सस्ती, नवीकरणीय तथा स्थानीय स्तर पर उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट, इससे CO2 व SO2 कम उत्पन्न होते हैं, अतः प्रदूषण कम होता है। इसके लिए कच्ची सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जैसे कचरा। इसका पुनर्चक्रण संभव है, अतः इसकी उपलब्धता शून्य नहीं होती। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन कि जैव ऊर्जा क्या है और इसके क्या उपयोगी लक्षण है भाई, है ना। इससे पहले मैं आपको दो परिभाषा और बता देना चाहता हूं, हालांकि आप उनको छोटी क्लासों से ही आपके जो सोशल साइंस है उसमें आप पढ़ते हुए आए। हमारे पास ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं ना, एक तो या अनवीकरणीय और एक नवीकरणीय होते हैं ना। एक मैं इनको सिंपल से रूप में आपको बता देता हूँ। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको आप नए रूप में बना सकते हैं, नवीन मतलब नया, और अनवीकरणीय का मतलब कि जिसको आप दोबारा से नया नहीं बना सकते, बस यही डिफरेंट है। तो नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऐसे स्रोत जिनको हम पुनर्निर्मित कर सकें नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। यदि आप सौर ऊर्जा को काम में ले लें, खर्च कर दें, तो आप बताइए उसे आसानी से दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं ना, है ना। पवन ऊर्जा है, उसको भी आराम से बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा जो भी है, ये सभी नवीकरणीय स्रोत है। मतलब जो खर्च भी हो जाए तो उन्हें आप दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। अनवीकरणीय स्रोत जिनको हम एक बार काम में ले लें तो उनका पुनर्चक्रण हम नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह। तो ये दो स्रोत आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे देखिए, जैव ऊर्जा क्यों हमारे लिए आवश्यक है। मतलब भाई इसमें कोई ना कोई उपयोगी लक्षण होंगे, तभी तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अगर ये हमारे काम की ही नहीं होती तो मैं इसको पढ़ती ही नहीं, है ना।
तो इसके क्या उपयोगी लक्षण होते हैं भाई, वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, एक तो यह है सस्ती है, नवीकरणीय है और स्थानीय स्तर पर उत्पन्न की जा सकती है। मतलब इसके लिए कोई शहर, कोई उपयुक्त जगह या कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है, कहीं भी आप अपने गांव में घर में इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बताओ उपयोगी लक्षण हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात, इससे CO2 और SO2 बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, जब इसको हम जलाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक प्रकार के अम्लीय ऑक्साइड है, अर्थात प्रदूषण फैलाते हैं और अम्लीय वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कम उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रदूषण होता है कम, है ना। ये प्रदूषण कारक भी है भाई, तो बताओ ये भी उपयोगी लक्षण हुआ। नेक्स्ट, कि इसको बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए वो भी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि कच्ची सामग्री इसकी क्या होती है, घरेलू कचरा है, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है, तो बस उसी से आप जैव ऊर्जा बना सकते हैं, तो आसानी से ही इसके लिए कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल मिल जाता है। और इसका पुनर्चक्रण संभव है, पुनर्चक्रण इसका संभव है, तो इसकी उपलब्धता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि आप इससे दोबारा रिन्यू कर सकते हैं ना, तो कभी भी जैव ऊर्जा की मात्रा है वो शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चार इसके क्या हैं, उपयोगी लक्षण हैं, याद रह जाएंगे आपको, याद रह जाएंगे क्या। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी ये बात है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का याद हो गया कि जैव ऊर्जा क्या है और इसके क्या उपयोगी लक्षण हैं, है ना भाई। बिल्कुल, मैं आपको इन, देखो इन चैप्टरों को आप हल्के में मत लेना कि यार ये तो नॉर्मल हो जाएंगे भाई, आप इनको यही ढंग से पढ़ लो, रिवाइज करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए तो मैं आपके लिए खुद हर पॉइंट को, हर थ्योरी को लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हाँ, बहुत बड़ी बात होती है थ्योरी को एज इट इज लिखना, है ना, आप नहीं समझेंगे अभी, जब आप टीचर बन जाएंगे ना तब आपको ये बात एहसास होगी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो ये पहला क्वेश्चन आपको तैयार हो गया कि जैव ऊर्जा क्या है और इसके क्या उपयोगी लक्षण होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैव ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ बायो एनर्जी। अब मैं इनके इंग्लिश नाम यार इसलिए नहीं लिखता क्योंकि अब ये आपसे ऐसे थोड़ी पूछेगा कि सोर्सेज ऑफ बायो एनर्जी बताइए, अरे ये नॉर्मल इंग्लिश नाम है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, हाँ भाई, कुछ बच्चे सोचें सर आप हेडिंग के आगे इंग्लिश नाम नहीं लिखते, भाई मैं वही इंग्लिश टर्म आपके लिए यूज करूँगा जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जिन्हें आप सभी जानते हैं उनको लिखने से क्या फ़ायदा है। ठीक है भाई, हाँ, तो जैव ऊर्जा के स्रोत, चलिए तो देख लेते हैं जैव ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहला, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, जैव भार। दूसरा, जलाऊ कास्ट, जैव भार हो गया, बायोगैस, ठीक है, और साहब तुम्हारा पेट्रोपादप, पांचवा है स्टार्च एवं हाइड्रोजन फैक्ट्री। ध्यान से देखिए आप मेरी बात को, वो आपसे ये पूछना चाहता है
कि भाई जो आप बायो एनर्जी प्राप्त करेंगे उस बायो एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं प्रेजेंट टाइम में, तो बहुत बड़ी बात है। अब पूरे इस चैप्टर में हमें इन सोर्सेज के ही बारे में बात करनी है और हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर बायो एनर्जी है। तो यदि आप इस बायो एनर्जी के सोर्स बता देंगे तो बस वहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसके 6 स्रोत हैं भाई, इसको आप याद रखना, बायो एनर्जी जैव भार सॉरी जैव ऊर्जा के 6 स्रोत हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है जैव भार, जिसको हम बायोमास बोल के चलते हैं। इसका इंग्लिश नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, बायोमास जिसको बोलते हैं, ठीक है, बायो मास, जैव भार, बहुत इंपॉर्टेंट इसका नाम है, इंग्लिश नाम भी। तो पहला जो स्रोत है वो है जैव भार, दूसरा है जलाऊ काष्ठ, ठीक है, तीसरा है बायोगैस जिसको हम गोबर गैस बोलते हैं, चौथा है पैट्रोपादप, है ना। अब ये पैट्रोपादप वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है स्टार्च एवं लिग्नोसेलुलोज से इथेनॉल का निर्माण, और लास्ट है शैवाल ये हाइड्रोजन फैक्ट्री। तो ये जो 6 हैं वो हमारे मुख्य स्रोत हैं भाई, ठीक है। तो जो आपको 6 सोर्सेज दिए हुए हैं आप इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, सबसे पहली बात, है ना, ठीक है। चलिए, तो याद रह जाएंगे आपको जैव भार जिसको हम बायोमास बोलते हैं, जलाऊ काष्ठ, फायर वुड, थोड़ी गले में आ जाना, बायोगैस, है ना, और पैट्रोपादप। अच्छा, पैट्रोपादप को मैं आपको बता दूं, ये मैंने मोस्ट इसलिए लिखा है, बाकी आप पैट्रोपादप में हम वायु डीजल हेडिंग लिख के चलेंगे, कौन सी? वायु डीजल, है ना, क्योंकि जो पैट्रोपादप है वो वायु डीजल के अंतर्गत ही आ जाएगा, तो आप कोई सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। स्टार्च एवं लिग्नोसेलुलोज से इथेनॉल और शैवाली हाइड्रोजन फैक्ट्री। तो जो 6 हेडिंग आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी ऐसे हैं जिनसे हम बायो एनर्जी प्राप्त करते हैं, क्लियर। तो 6 सोर्सेज आप याद रखना, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि जैव ऊर्जा प्राप्त करने के 2 स्रोत बताओ, 4 स्रोत बताओ, कितने भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं पूरे ही याद रखने, तो अब हम क्रम से इन सभी की एक एक करके बात करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली बात है बायोमास यानी कि जैव भार। तो क्या है भाई जैव भार, इसकी पहले परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, बे सभी पदार्थ जिनकी उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है वायुमास कहलाते हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको एक बात बताऊंगा अभी, देखिए कोई भी प्लांट है ना, तो उस प्लांट में जो ज्वलनशील भाग जिससे हमें ऊर्जा मिले, प्लांट के अंदर कोई ऐसा भाग या ऐसा पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा मिले, उस पदार्थ का निर्माण हमेशा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि द्वारा होता है। नहीं आई बात समझ में? कहने का मतलब है कोई भी प्लांट है, अब इसमें जो हम बायोमास है ना वो हमेशा प्लांट से ही उत्पन्न कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इसमें बात किसकी आ रही है? फोटोसिंथेसिस की। तो सिंपल सी बात हुई, यदि प्लांटों के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से कोई भी पदार्थ
उसके अंदर संचित है। तो मैं यार सीधी सी बात बता दूं ना आपको, स्टार्च। कौन? स्टार्च। स्टार्च क्या है आप मुझे एक बात बताओ, स्टार्च के पास एनर्जी नहीं होती क्या? होती है ना एनर्जी। तो जब आप इसका प्रयोग करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगी? जैव ऊर्जा मिलेगी, है ना। हम इससे जैव ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो जैव भार का क्या मतलब है? जैव भार का सीधा सा मतलब है, प्लांट के अंदर वे पदार्थ जिनका निर्माण फोटोसिंथेसिस से हुआ है, बस उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं, जैव भार कहते हैं। और उस जैव भार से हम अपनी बायो एनर्जी प्राप्त करते हैं। क्लियर? तो जैव भार की छोटी सी परिभाषा है जो आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। क्या? कि वे सभी पदार्थ जिनका निर्माण प्रकाश संश्लेषण से होता है प्लांट के अंदर, उनको हम जैव भार कहते हैं। और आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस से मोस्टली स्टार्च का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण, O2 का निर्माण होता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ। तो जैव भार की परिभाषा आपको याद हो जाएगी। दो परिभाषा हैं, एक जैव ऊर्जा और एक जैव भार, एक जैसी लगती है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है भाई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? किसी भी जैविक स्रोत से आप ऊर्जा प्राप्त करो, जैव ऊर्जा, लेकिन केवल फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो पदार्थ बनाए वो बायोमास है। तो बायो एनर्जी आया गले में, क्या हो गया? बायो एनर्जी और बायोमास दोनों ही डिफरेंट हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। एग्जाम पेपर में भी ध्यान रखना कि कौन सी डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो आप कहीं कोई गलत डेफिनेशन मत लिख के आ जाना, ठीक है। तो ये हुआ जैव भार। अब मैं बात करता हूं इसके निम्न स्रोत हैं, मतलब जो जिन प्लांटों से हम जैव भार प्राप्त कर सकते हैं उनके स्रोत, जैसे मैं आपको बता दूं, लिग्नो सेलुलोज युक्त पादप जैसे यूकेलिप्टस, चीड़, मक्का, चुकंदर, गन्ना। नेक्स्ट है जलीय पादप जलकुंभी, ठीक है। और इसी के साथ है हमारा घरेलू कचरा, है ना, गन्ना का बचा हुआ अपशिष्ट छिलके आदि। यहाँ तक दिख रहा है आपको? हाँ, कोई बात नहीं, आप देख लेना इसको, मैं बोल। तो ये जो है एक गले में खिचखिच। देखिए, ये जैव भार के स्रोत हैं, मतलब प्लांट के अंदर एक ये जो पदार्थ है ना लिग्नोसेलुलोज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है। ये ऐसा पदार्थ है जो फोटोसिंथेसिस से बनता है और इसके पास होती है एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। तो जो भी प्लांट लिग्नोसेलुलोज युक्त होते हैं, जैसे मोस्टली हमारे यूकेलिप्टस हैं, सफेदा का पौधा जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, नीलगिरी भी इसको बोलते हैं, चीड़ का है, मक्का, चुकंदर, गन्ना, इनमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब लिग्नोसेलुलोज होता है जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। और ये जो पदार्थ है स्टार्च है, वो किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस से, है ना। एक जलीय पादप है जलकुंभी, घरेलू कचरा है गन्ना का बचा हुआ भाग है, मतलब जो गन्ना का रसम निकाल देते हैं जूस, उसके बाद जो कचरा बचता है,
ना, नींबू के छिलके, फूल पत्ती हैं, ये सभी हमारे जैव भार के स्रोत होते हैं बायोमास के। ठीक है, तो आपको ये पहला जो सोर्स है बायो एनर्जी का जैव भार वो याद हो जाएगा। केवल आपको इतना ही याद रखना है जो मैंने लिखा है बोर्ड पर, एक तो बायोमास की डेफिनेशन याद करो और क्या कौन कौन से इसके स्रोत हैं, कोई दो तीन अपनी तरफ से याद रखो, बस इसी से हमारा ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात को? वो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, पहले सोर्सेज में जैव भार में ऐसे ही सिंपल सिंपल से यहाँ पर ये सोर्सेज हैं, है ना। ये कंसेप्चुअल तो है नहीं भाई, केवल हमें थोड़े समझने ही हैं, याद ही करने। सेकंड है जलाऊ कास्ट। अब भाई लकड़ी तो बहुत प्रकार की होती है, चंदन की भी लकड़ी है, साल की भी लकड़ी है, तो क्या आप चंदन की लकड़ी और साल की लकड़ी को ऐसे ही जलाओगे क्या? समझ रहे आप मेरी बात को? क्या बायो एनर्जी लेने के लिए आप चंदन की लकड़ी को जलाओगे क्या, है ना। ये हेडिंग क्यों दी है मैंने जलाऊ कास्ट, वो इसीलिए दी है, केवल उस लकड़ी की हम बात करेंगे जो जलने योग्य है, जिसको अधिकतर जलाया जाता है। ठीक है, हाँ। तो देखिए भाई जलाऊ कास्ट, अब भाई जलाऊ कास्ट का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी लकड़ी होती है जो जलने योग्य होती है उससे भी हम बायो एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये जो जलाऊ कास्ट है, यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, जलाऊ कास्ट वाले टॉपिक से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कास्ट ईंधन की विशेषता, बात को जरा ध्यान से समझो, एक तो बनता है कास्ट ईंधन की विशेषता और एक बनता है उत्तम कास्ट की विशेषता। दो क्वेश्चन हो गए यहां पर, एक तो है कि भाई जो ये जलाऊ कास्ट है इसके नॉर्मल क्या प्रॉपर्टीज हैं नॉर्मल, और एक वो आपसे पूछना चाहता है कि भाई जो उत्तम ईंधन है उसमें कौन से गुण होने चाहिए। यस, शायद मुझे ऐसा लग रहा है 10th क्लास में भी है, नहीं है क्या? मुझे कन्फर्म याद नहीं है ना, शायद है यार, मुझे ऐसा लग रहा है वो भी लास्ट के चैप्टरों में कुछ ऐसा है ना। कोई बात नहीं, तो देखिए जलाऊ कास्ट वाले टॉपिक में दो यहां पर क्वेश्चन है, उनमें सबसे पहला मैं लिख देता हूं इसकी विशेषता, किसकी, जलाऊ कास्ट की, है ना। तो क्या क्या विशेषताएं वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, इसे एकत्र करने के लिए कोई तकनीक या ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, इसका 99% भाग ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट, अधिकतर पौधों की कास्ट जलाऊ योग्य होती है ना, अधिकतर पौधों की कास्ट जलाऊ योग्य होती है, और हाँ इसका उपयोग लघु उद्योग से बड़े उद्योगों के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल हम देख लेते हैं कि भाई जो हमारी फायर वुड होती है,
जलाऊ कास्ट होती है इसमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जलाऊ कास्ट में। और वो क्या सामान्य विशेषताएं होती हैं कि एक तो इसे इकट्ठा करने के लिए कोई तकनीक और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, ये आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है। लकड़ी कोई भी पौधा है उसको आप काटिए, आसानी से लकड़ी आप एकत्र कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई ज़्यादा होशियार व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, है ना। एक प्रकार से कचरा मात्र आप समझो, इकट्ठा कीजिए और ले आइए, क्लियर। तो एक तो इसकी ये विशेषता होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं भाई हमें कुछ परफेक्ट बंदे ही चाहिए जो इस लकड़ी को लेके आ सके। अरे कोई भी चला जा, है ना, बस कह दो उससे भाई एक लकड़ी उठा ला, बस ले आएगा आपको, समझ रहे। तो एक तो ये विशेषता ही है भैया, ये कहीं कोई इसमें ज़्यादा परफेक्ट की आवश्यकता पड़ती नहीं भाई, तुम्हें हम इतने रुपए देंगे तुम सेलेक्टिव हो लकड़ी बीनने के लिए, समझ रहे ना आप मेरी बात को। हाँ, नेक्स्ट बात, इसका 99% भाग है जो ज्वलनशील होता है, मतलब लकड़ी का 99% भाग है वो जल जाता है। 1% क्यों? क्योंकि उसमें जो अकार्बनिक तत्व होते हैं, राख जिसको बोलते हैं, वो अज्वलनशील होता है, मतलब अकार्बनिक भाग। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अधिकतर पौधों की जो लकड़ी है वो जलाने योग्य होती है, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पौधों की लकड़ी को हम जला सकते हैं, ये भी एक बेनिफिट वाली ही बात है, है ना। कहीं ऐसा होता कि भाई अधिकतर पौधों की लकड़ी कीमती होती और तो हम उसको जलाते नहीं, तो हमें बहुत कम मात्रा में जलाने के लिए लकड़ी मिलती ना, है ना, उस पर रोक लगी हुई होती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जलाने के लिए बहुत से ज़्यादा पौधों की लकड़ी हम काम में ले सकते हैं, ये भी इसकी एक विशेषता ही है। नेक्स्ट है, इसका जो उपयोग है या तो आप कह सकते हैं घरों से लेकर लघु उद्योग और बड़े उद्योगों तक किया जाता है। किसका? एक ईंधन का। नहीं किया जाता भाई, जो भी आपके पास कास्ट होती है उस मतलब लकड़ी जो होती है उसका उपयोग, ठीक है। हाँ, तो बहुत सिंपल सी इसके बारे में बात है कि आखिर जो जलाऊ कास्ट है, फायरवुड है, उसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ये आप चार विशेषताएं आराम से कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल से पॉइंट है भाई, है ना, तो आराम से कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, ये विशेषता हो गई ना, या एक बार फिर बताऊं इनको भाई, कितनी सिंपल सी तो है कि भाई जो हम जलाऊ कास्ट काम में लेंगे उसकी क्या विशेषताएं, कि एक तो इसे एकत्र करने के लिए कोई परफेक्ट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, कोई तकनीक की हमें आवश्यकता नहीं होती कि किसी टेक्निक के माध्यम से करनी है। नेक्स्ट, इसका 99% भाग ज्वलनशील होता है, जो हमारे लिए काम की बात है, और अधिकतर पौधों की जो लकड़ी है वो जलाऊ योग्य है, तो कोई दिक्कत नहीं होती इसका एकत्रण करने में, और इसका उपयोग हम घरेलू उपयोग से लघु उद्योग तक या बड़े उद्योग तक करते हैं ना। आप चाहे तो घरेलू उपयोग से लघु उद्योग तक कर सकते हैं, दोनों ही पॉइंट सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये हुई हमारी जलाऊ कास्ट की विशेषता, ठीक है। तो जलाऊ कास्ट वाले टॉपिक में एक तो यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है, दूसरा क्वेश्चन है उत्तम ईंधन की विशेषता, या मैं उत्तम कास्ट कर दूंगा इसको, ये ज्यादा सही रहेगा, उत्तम कास्ट की विशेषता, ठीक है। तो क्या क्या विशेषता होती है भाई उत्तम कास्ट की? उच्च दहन क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जलने पर फटे नहीं और न ही टुकड़ों में बटे,
नेक्स्ट, जलने पर कम धुआं व दुर्गंध रहित हो, जलने पर उच्च कैलोरी उत्पन्न करें। ठीक है, जलने पर उच्च कैलोरी उत्पन्न करें। तो ये चार आप इसकी विशेषता याद रखो। ठीक है, हाँ, चार विशेषता सफिशियंट है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो उत्तम कास्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, ध्यान से समझो आप मेरी बात को। उत्तम कास्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, तो पहली है कि हमारा जो हमारी जो उत्तम कास्ट हो उसमें एक तो उच्च दहन क्षमता होनी चाहिए, मतलब जलने की अत्यधिक क्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात, जब इसको जलाया जाए तो ये फटे नहीं और न ही टुकड़ों में बटे। ठीक है, मतलब सीधी की सीधी जलती हुई चलनी चाहिए हमारी लकड़ी। जलने पर कम धुआं उत्पन्न करे और जो भी धुआं है वो कैसा रहे, दुर्गंध रहे, तो अर्थात उसमें दुर्गंध नहीं आए। और जलने पर उच्च कैलोरी इसको उत्पन्न करनी चाहिए। हमारी उत्तम ईंधन वही होगी, उत्तम कास्ट, जिसको हम जलाएं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैलोरी प्रोवाइड कराए, तो वो हमारे लिए क्या होता है, उत्तम कास्ट होता है। ठीक है, तो आप देखिए जो बायो एनर्जी का दूसरा स्रोत है जिसको मैं जलाऊ कास्ट बोल रहा हूँ, फायर वुड जो बोल रहा हूँ, उसमें से आपको दो क्वेश्चन करने हैं। एक तो आपके कास्ट की जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल गुण, सामान्य गुण या सामान्य विशेषताएं, और एक स्पेशल जो हमारी वुड होती है, मतलब उत्तम जो कास्ट है उसकी विशेषता। तो सेकंड टॉपिक से आपको ये दो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बस आप इसी प्रकार जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी प्रकार आप क्वेश्चन याद करते हुए चलिए, आपको सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं रहेगी कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन वहीं से आएगा जहाँ से मैं बताऊँगा और जिसको आप पढ़ेंगे, उससे आउट कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जलाऊ कास्ट में ये तीन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है तीसरा स्रोत, वो है बायोगैस। क्या है, बायोगैस, है ना। दो स्रोत हमने देख लिए जैव ऊर्जा के, कौन कौन से स्रोत देख लिए, एक तो देख लिया सबसे पहले बायोमास और फिर देखा हमने कास्ट, जलाऊ कास्ट। अब जो तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं गोबर गैस, या मैं इसको बोल सकता हूं बायोगैस। ठीक है, बायोगैस। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन, और मैं आपको बता दूं बायोगैस की जो परिभाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछ ली गई है। ठीक है, तो देखिए बायोगैस क्या है। जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक खाद के किण्वन से प्राप्त गैस, या मैं कहूं किण्वन से उत्पादित गैस, उत्पादित है ना, उत्पादित गैस बायोगैस कहलाती है।
बस इसको याद करो आप सबसे पहले। ये डेफिनेशन पूछ ली गई है कि भाई बायोगैस क्या है, तो मैं आपको एक यहाँ पे हल्का से प्रारूप बता देता हूँ कि गोबर जो होता है, गोबर मतलब पशु जो होते हैं ना पशु, उनके आमाशय में, उनकी आंत्र में एक जीवाणु होता है और उस जीवाणु का नाम है मैथेनो बैक्टीरियम। क्या नाम है भाई? मैथेनो बैक्टीरियम, मीथेन जीवाणु आप इसको बोल सकते हैं। मैथेनो बैक्टीरिया एक ऐसा जीवाणु है जो हमेशा अवायवीय श्वसन करता है। कैसा श्वसन करता है? अवायवीय श्वसन करता है। कौन? मैथेन जीवाणु। ये कहाँ पाया जाता है? पशुओं के आमाशय में, आंत्र में। तो जब पशु गोबर करते हैं तो उस गोबर में ये मैथेन बैक्टीरियम जीवाणु आ जाता है ना? बात को समझना। मैथेनो बैक्टीरियम जीवाणु जो है वो पशु की बॉडी से गोबर के साथ बाहर निकलता है। ये बिल्कुल ट्रू बात है, फैक्ट बात है ना? अब उसकी एक स्वभाव होता है उस जीवाणु का कि इसको क्या करना होता है, हमेशा अवायवीय श्वसन करना होता है, मतलब O2 की अनुपस्थिति में ये अपना जीवन चक्र चलाता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि यदि आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई काम करेंगे तो हमेशा कोई ना कोई अम्ल या कोई गैस वगैरह ही बनती है ना? समझ रहे ना? तो उसी चीज का हम प्रयोग कर अपनी बायोगैस बनाते हैं। तो डेफिनेशन अब आपको समझ में आ जाएगी कि जीवाणुओं के द्वारा कार्बनिक खाद के, मतलब वो है गोबर वाली खाद, कार्बनिक खाद है भाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बस ये सारी चीजें, कार्बनिक खाद के किण्वन से फर्मेंटेशन का मतलब भी क्या होता है कि अवायवीय श्वसन। जब कोई जीवाणु अवायवीय श्वसन करता है किसी भी पदार्थ पर, खाद्य पदार्थ पर, तो उस प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन बोलते हैं ना? बोलते हैं ना? फर्मेंटेशन बोलते हैं यार, फर्मेंटेशन है ना? तो क्या बोलता है वो? किण्वन। तो किण्वन से उत्पादित गैस क्या बोलती है? बायोगैस कहलाती है। परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? कि जीवाणुओं के द्वारा कार्बनिक खाद के किण्वन से, कोई भी जीवाणु है वह यदि कार्बनिक खाद का किण्वन करे तो जो गैस बनेगी उसे हम बायोगैस बोलेंगे। ये सिंपल सी बात है, ठीक है? समझ में आ गई बात? इसका निर्माण गोबर गैस संयंत्र में किया जाता है। तो बायोगैस का जो निर्माण है वो हम कहाँ करते हैं? गोबर गैस संयंत्र में करते हैं। तो ये भी बहुत नॉर्मल है। तो दो मतलब आपको अभी तो याद करनी है परिभाषा, जो कि बहुत सिंपल है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो जीवाणु है मैथिनो बैक्टीरियम वो गोबर गैस का निर्माण किस प्रकार करता है ना? तो देखिए, वायु गैस का निर्माण तीन चरणों में होता है। बात को जरा ध्यान से समझना आप। वायु गैस का निर्माण तीन चरणों में होता है। ये चरण बहुत नॉर्मल है और आपको याद भी हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला, सर्वप्रथम जीवाणु जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज को सरल पदार्थों में अपघटित
करते हैं। दूसरा, अब जीवाणु आंशिक रूप से वायवीय व अवायवीय क्रिया कर उसे कार्बनिक अम्लों में तथा अंत में एसिटिक अम्ल में बदल देते हैं। थर्ड, अब मैथेनो जीवाणु अवायवीय श्वसन कर एसिटिक अम्ल को मीथेन में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, दिख रहा है यहां तक? हाँ, देखिए बस इसी को समझ लीजिए, ये लास्ट है, इसके बाद मैं कल आपको बताऊंगा इसको दोबारा से भी और इसका डायग्राम बना के भी, है ना, क्योंकि डायग्राम वगैरह मैं बनाऊंगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप यहीं से इस बात को समझिए। देखो हमारा जो तीसरा स्रोत है, वो क्या है, बायोगैस यानी कि गोबर गैस। क्लियर? अब गोबर गैस को मैं बायोगैस नाम दे सकता हूं, तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि आखिर बायोगैस किसे कहते हैं। मैं हर क्वेश्चन आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो बायोगैस क्या है, जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ पर किण्वन क्रिया से, जीवाणुओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के किण्वन से जो उत्पादित गैस होती है उसे ही हम बायोगैस कहते हैं। सिंपल है परिभाषा कि एक जीवाणु है, यदि वो कार्बनिक पदार्थों का किण्वन कर देगा तो जो गैस आपको मिलेगी उसे ही आप बायोगैस बोलेंगे। क्लियर भाई? ठीक है, अब ये जो गोबर गैस का निर्माण है वो हम गोबर गैस संयंत्र में करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं, है ना। अब उसने ये बताया कि आखिर आप किस प्रकार गोबर गैस संयंत्र में वायु गैस का निर्माण करेंगे, एक पूरी विधि। हमारे लिए वायु गैस बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल विधि बताई गई है, तो आपको क्या लिखना है, यदि आपसे वो वायु गैस निर्माण की विधि पूछे तो आपको लिखना है वायु गैस का निर्माण तीन चरणों में होता है। क्या लिखेंगे, वायु गैस का निर्माण तीन चरणों में होता है, जो इस प्रकार है। नंबर एक पॉइंट आप फिर लिखेंगे अपनी तरफ से, बना सकते हैं, प्रथम चरण में लिख सकते हैं, बिल्कुल प्रथम चरण में जो जीवाणु होता है वो कार्बनिक पदार्थ में जो जटिल पदार्थ हैं जैसे सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, भाई ये कोशिका भित्ति है, कार्बनिक पदार्थ के अंदर ये जो पदार्थ है वो एक जटिल पदार्थ हैं, तो उनको पहले ये सरल पदार्थों में तोड़ता है। ये हुआ पहला चरण। पहले चरण में क्या कि जो जीवाणु है उसने सबसे पहले जटिल पदार्थ जो थे कार्बनिक पदार्थ में, मतलब गोबर में, सीधी सी भाषा में कहूँ गोबर में जो कार्बनिक पदार्थ थे उसको सरल पदार्थों में तोड़ा, पहला काम। दूसरे चरण में क्या किया, अब इसने हल्के रूप से कुछ अवायवीय श्वसन किया कुछ वायवीय श्वसन किया, तो जब ये अवायवीय काम करता है हल्का सा तो ये जो हमारे सरल पदार्थ थे या जो कार्बनिक पदार्थ थे उनको पहले कार्बनिक अम्लों में तोड़ा और एंड में
उसको बदल दिया एसिटिक अम्ल में। बात को जरा ध्यान समझो, दूसरे चरण में जीवाणु ने क्या किया, जो कार्बनिक पदार्थ था उसको कार्बनिक अम्लों में बदला और अंत में किस्म बदल दिया एसिटिक अम्ल में। तो दूसरे चरण में आपके पास क्या है, अब एसिटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। ये किस चरण में आपको प्राप्त हुआ है? दूसरे चरण में आपको प्राप्त हुआ है ना भाई। तो एसिटिक अम्ल आपको मिल गया। अब तीसरे चरण में क्या होगा? तीसरे चरण में क्या होता है कि जो मैथिनोबैक्टर जीवाणु है, मैथिनो जीवाणु, यही मोस्ट जीवाणु है भाई जो बायोगैस बनाता है। अब जो ये मैथिनो जीवाणु है वो अवायवीय श्वसन करेगा, या मैं कह सकता हूँ वो किण्वन की क्रिया करेगा, है ना, फर्मेंटेशन करेगा, है ना। तो फर्मेंटेशन करने के बाद ये जो जीवाणु है वो उस एसिटिक अम्ल को मैथेन में बदल देता है। किस में बदल देता है? मैथेन में, CH4 में। और आपने पढ़ा है कि जो मैथेन है एक प्रकार की जलने ज्वलनशील गैस है। पढ़ा है ना आपने मैथेन? केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है ना। मैं आपको दोबारा बता दूं, हमारे पास दो प्रकार के सिलेंडर हैं, LPG और CNG, है ना, LPG और CNG। और आपने हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, पढ़े हैं मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, चार स्टार्टिंग के जो हाइड्रोकार्बन है ना। तो देखो, मैथेन और एथेन ये दो तो बनाते हैं CNG गैस, और ब्यूटेन और प्रोपेन ये बनाते हैं LPG गैस, पता है ना आप सभी को। तो बताइए, मोस्टली जो CNG गैस है वो किससे बन रही है? मैथेन से। तो अब आपको यहाँ भी कौन सी गैस प्राप्त हो रही है? मैथेन ही तो प्राप्त हो रही है। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस प्रकार जीवाणु, मैथिनोबैक्टीरियम जीवाणु, तीन चरणों में हमारी बायोगैस का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, तो आज के लिए केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे से चैप्टर है। तो आज आप इसको पढ़ना, और मैं कल जब इसका डायग्राम बनाऊंगा तब एक बार और समझा दूंगा, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है। तो बाकी बातें करेंगे हम कल।